क्यों ऐसा थोड़ी होता है. गुड नेम. हैप्पी बुर्थडे वाली. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग. होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और चंगे होंगे. सो आपके समक्ष आपका एंटरटेनर आसुदास पधार चुका है और अभी जस्ट मैं इसी आउटफिट में हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट जिम करके आया हूँ. तो मैंने सुबह उठा, हाथ पैरों में थोड़ा पेन हो रहा था क्योंकि दो दिन से लगातार मैं जा रहा था आपका सूट पे इंदरदा के साथ. इंदरदा का एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग आने वाला है जिसमें स्वाति महार और हमारे अमित जो बहुत पुराने एक्टर है वो एक रोल प्ले कर रहे हैं. और एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, वो सॉन्ग ट्रेंडिंग बनने वाला है क्योंकि वो सॉन्ग में कास्ट क्रू बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी. उसमें तीन दिन लिए गए, आज भी सूट है उसमें, तो तीन दिन लगा ले जिस सूट में. मेन प्रोडक्शन हाउस उसका मसद बीन का है. तो गाइस दो दिन का तो पार्ट में भी उस जगह का बन गया हूं. व्लॉग मैंने बनाया लेकिन जब तक सॉन्ग नहीं आता वो व्लॉग में डाल नहीं सकता हूं. लेकिन हां कल के बीटीएस, कल के बिहाइंड द सीन्स मैंने आज जाके देखी, 8 बजे आ चुका है आज के व्लॉग में. तो अभी जस्ट मैं आया हूं जिम करके और अभी अपने बेड में बैठा हूं और अभी मैं थोड़ा काम वाम करूंगा बाहर. तो अभी की व्लॉग की शुरुआत मैंने यहीं से करी है. बिहाइंड मेरे कैमरे के मम्मी है जो मेरा शूट कर रही है. आज का व्लॉग बहुत अच्छा था, चलो मेरे को तो बहुत पसंद आया. धन्यवाद. तो अभी ऐसे ही व्लॉग बनाते रहो और हमारे इंदरदा साथ होंगे. सो अभी अपने काम धाम में लगता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ. सो बने रहिए आसू व्लॉग्स में. सो गाइस मैं क्या देख रहा हूँ, मम्मी क्या बन रहा है. ये बना रही हूँ. इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है. दूध, ये दूध है ना. ये तो दूध है. और ये घी बना रही हूँ. घी कैसे बनता है, घर का घी है क्या होता है, इसमें कैसे प्रिपरेशन होती है. अब इसको मलाई इकट्ठी कर रही होती है तो मलाई को इसमें डाल के इसे घी बनाते हैं. इसे कितनी देर तक उबालना, मतलब कितनी देर की प्रोसेस रहेगी. आधा घंटे के प्रोसेस है, उसके बाद बन जाएगा घी. वो जो काला काला निकलता है हुआ. अच्छा तो देख लो भैया, हम लोग घर का ही खाते हैं, घर में ही जो बनती है, घी हो गया, दही हो गया. हमारी मम्मी, हमारे लोग सब लोग घर का ही बनाते, खाते पीते हैं. वही चीज हमें हर जगह के लिए अच्छी भी होती है और हमें हर बीमारियों से हर चीज से. तभी कहते हैं ना घर का खाओ घर का ही करो. क्यों गाइस, अभी मैं बैठा हूँ अपने झूले में तैयार व्यार होके. एक्चुअली ऐसा है, आज मुझे फिर जाना पड़ रहा है आपका गदरपुर. छोटे मोटे कुछ काम है वहाँ हमारा दादा का और हमारा, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं. तो उन्होंने अचानक ही बताया कि यार आसू भाई चलना है, आप रेडी रहिएगा, तो मैं आपको यहीं से आके पिक कर लूंगा. तो अभी मैं तैयार होकर बैठा हूँ, अब उनका आने का वेट कर रहा हूँ. जैसे वो आएंगे उनके संग बैठ के चल देंगे गदरपुर. सो गाइस मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर. अभी मैं जस्ट पानी भर रहा था, अभी आपने देखा मैं पानी भर रहा था. पापा थे नहीं, पापा चले गए थे, मम्मी ने लगाया था पानी भर रहा था. उसी बीच उसी दौरान दादा पधार गए हमारे. और दादा हम कहाँ जा रहे हैं आज. आज हम रुद्रपुर जा रहे हैं घूमने. रुद्रपुर जा रहे हैं घूमने. रुद्रपुर गदरपुर घूमने. ओके सो गाइस आज हम जा रहे हैं, आपको बताई दे दादा ने, रुद्रपुर सीधा. हाँ सीधा जाना है. और अभी हम आ गए हैं आपका, ये कौन सी लाइन है आपकी, पंचायत घर वाली. सो मिलते हैं. सो गाइस हम वहां से आ गए थे और अभी हमें आपका मारुति एजेंसी में गाड़ी का फ्री कंसल्टेंसी करवाने के लिए यहाँ आए हैं. बताइए. नहीं सिर्फ जनरल चेकअप है 1000 किलोमीटर. तो जनरल चेकअप पूरा हमारे दादा की गाड़ी का, थोड़ा सी 10-15 मिनट लगेंगे इसमें. 10-15 मिनट बाद कब जाएगा यहाँ दादा कंसल्टेंसी से नीरज कुमार से बात करते हुए और थोड़ा सा खत्म करके फिर सीधे घर पे निकलेंगे 5-15-20 मिनट. गाइस कैसे हैं आप सब लोग. मैं अभी आके सो गया था खाना वाना खा के और अभी बज रहे हैं आपके 5:30 और मैं अभी उठा ही हूँ जस्ट. और थोड़ा सा मेरी गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैं सोच रहा हूँ हॉस्पिटल होके आऊँ. अभी एक बार पीछे जाके देखता हूँ क्या कर रहे हैं, हिमांशु से पूछूंगा अगर वो चलेगा. सो अभी जस्ट उठाई हूँ मैं और शाम के बज रहे 5:30. चलते हैं बाहर दिखाते हैं, आज ज्यादा कुछ व्लॉग बना नहीं पाया मैं, तो अभी चलते हैं बाहर को दिखाते हैं. 5 बज गए हैं, 5:30 पीछे को और हिमांशु से मिलकर आता हूँ. और ये भाई हमारे दिनेश चंद्र जी, ये क्या लेके जा रहे हैं. कहाँ. अच्छा आज बुढ़ दिवाली है. अरे वाह, हाँ आज तो बुढ़ दिवाली है. तो गाइस जाके देखते हैं और सबको बुढ़ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सारे व्यूअर्स को भी. और यह है हमारी एंट्रेंस, बड़ा अच्छा पार्क से. ये ऐसे ही करता रहता, पढ़ता है नहीं है फिर लेटे रहता है. और हमारे यहाँ मेहमान आए हैं. और इन मेहमान का नाम, इतना इंट्रोडक्शन तो दे दो एक बार. आपका नाम दिक्कू. दिक्कू रियल नेम. दिक्कू तो प्यार से बोलते हैं ना. दिक्कू तो हम बोलते हैं ना प्यार से. दिक्कू आपका नाम. मुझे अपना रियल नेम अच्छा नहीं लगता. बताओ ना. अरे वैसे फिर आपसे दिक्कू ही दिक्कू बोले जाएगा ना. रियल नेम दीपशिका. दीप. ओह माय गॉड व्हाट अ नाइस नेम. दीपशिका अच्छा नाम है यार. मुझे पसंद नहीं है ना. क्यों ऐसा थोड़ी होता है. गुड नेम. हैप्पी बर्थडे वाली बर्थडे वाली बर्थडे वाली. जब ये क्या किया तुमने दाई. हैप्पी बर्थडे वाली. विश करना चाहता मैं किसी को, हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा होता ना भाई, डर जाता है इंसान. वो अपने कार्य में थे. हैप्पी बर्थडे वाली भाभी. कैसे हो, ये क्या कर रहे हो. अब तो डर है. क्या बना रहे हो. ये हरी चटनी. हेलो नमक. और ये
अरे ताई जी डर गए आज बहुत गजब बहुत भयंकर मैं झशक गई हूं इधर देख तू बाजार सारी ना कालू साई हां मेरा कलेजे ने मेरा सो अभी जस्ट मैंने बिजी किया था मेरे को डराने का मेरा मकसद नहीं था ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता लेकिन इतना गजब डरी है ताई रिएक्शन बहुत गजब है आप देख ही रहे जरूर और अभी मैं थोड़ा पीछे को आया था सो के उठा था और अभी हिमांशु से मैं थोड़ी वार्तालाप कर रहा हूं ये किसी काम का नहीं इससे मैंने कहा था एक रील बनाएंगे इसने कुछ नहीं बनाई कल बनाएंगे फिर ठीक है और ये भी तो है बनाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे हिमांशु रेडी हो गया था सोच रहा था मोमो खाने जाएंगे और मैंने मना कर दिया अरे एक्चुअली ऐसा मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है ना तो पापा को मैंने भेज दिया पापा कह रहे थे मैं लेके आऊंगा दवाई उन्होंने मुझे घर पे रहने को कहा है यहाँ क्या हो रहा है कच 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 भाई यहाँ कच 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 हो रहा है क्या लग रहा है यहाँ कुछ कुछ है यहाँ बिल्ली के बच्चे हैं मैं कह रहा हूँ आवाज क्या आ रही है भाई ऐसी गजब सो दगड़ियों घूमते घामते मैं आ गया हूँ अपनी छत में पहले मंजिले में और यहाँ तई जी तई क्या कर रही है अरे अरे दाल है लोबिया लोबिया की लोबिया पहाड़ में आ गए सर में क्या अरे वो मैं मंदिर गई थी मंदिर हाँ आज वो है ना ये बुढ़ी दीवाई अच्छा अच्छा हाँ कौन सा कालू साई है कालू साई का है कालू साई मंदिर में अच्छा हाँ आज आज आपकी बुढ़ दिवाली है और सभी को मेरी साइड से बुढ़ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं उठानी दे वो उठानी वो है ना क्या चीज क्या कहते हैं एकादशी उठानी एकादशी कहते हैं अच्छा अच्छा आज मंदिर गए थे कालू साई मंदिर ना अच्छा थोड़ा दान भी किया हाँ, यहाँ सफाई हाँ, कर रही है थोड़ा दान भी किया तुलसी की और विष्णु की पूजा होती है ओके हाँ, हो क्या है हाँ, आपका कालू साई मंदिर व्रत भी लेते हैं आज के दिन अच्छा आज के दिन व्रत भी लेते हैं और उनकी पूजा भी होती है हाँ, सो आज ये लोग होके आए हैं आपका कालू साई मंदिर हाँ, और भेड़ घाट और हाथ को चढ़ा के आए हैं आज बुढ़ दिवाली है तो मेरी साइड से सभी को बुढ़ दिवाली हैप्पी बुढ़ दिवाली सो दगड़ियों मैं अभी अपने कमरे में हूँ और आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की काफी काफी शुभकामनाएं और 11 दिन बाद उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र में हमारे लोक पर्व में बनाया जाता है इगास जिसमें एक लकड़ी पे एक भट्टे पे हमें आग लगा के उसे घुमाना पड़ता है तो उसको कहते हैं इगास 11 दिन बाद बनाया जाता है और ये मम्मी यहाँ पे दिए लगा रही है और आप सभी को और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से इगास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अभी बज रहे हैं आपके 10 और मैं अभी जस्ट आ गया अपने कमरे में और अभी मैंने खाना वाना खा के डिनर करके अपने बेड में सोने की तैयारी कर रहा हूँ आज बहुत थक गया हूँ जैसे कि आपने देखा आज थी बुढ़ दिवाली और हमने आज सेलिब्रेट करी फैमिली के संग और फिर अब मेरे को आ रही नींद मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के इसको एडिट करूँ ब्लॉग को थोड़ी नींद भी जरूरी है रेस्ट भी करना जरूरी है तो सुबह जल्दी उठ के जिम एडिट करूंगा उसके बाद निकलूंगा जिम को सब मिलते हैं आपको फिर कैसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर और गुड नाइट एवरीबॉडी और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं आसू ब्लॉग्स